वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण है। मित्रों, मोदी जी स्वयं यूपी के सांसद है, यूपी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और मोदी जी ने भारत सरकार का खजाना अपने यूपी और पूर्वांचल में खोल दिया और इसके कारण इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में यूपी को पहला स्थान मिला, आवास योजना में यूपी को पहला स्थान मिला, एमएसएमई उद्योग बढ़ाने में दूसरा स्थान मिला, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में पहला स्थान मिला, सबसे ज्यादा गैस यही बांटे गए, पीएम स्वनिधि योजना में सबसे ज्यादा ठेले वालों को लोन यहां दिया गया, 39 करोड़ पौधे यहीं लगाए गए, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी नंबर वन, गन्ना चीनी गेहूं आलू हरी मटर आर आम आमला इस सारे उत्पादों में भारत में सर्वप्रथम अपना उत्तर प्रदेश है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मित्रों, जो विकास की आंधी आई है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, बहुत कुछ किया है योगी जी ने, मगर बहुत कुछ करना भी बाकी है। आपका एक बार फिर से आशीर्वाद चाहिए। मिलेगा क्या? जोर से बोलो, मिलेगा क्या? मित्रों, आने वाले चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला विजय भारतीय जनता पार्टी को देना है। देंगे क्या बताइए? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेल में और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले उन सिर्फ खिलाड़ियों को न केवल प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया अपितु उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से सम्मान देकर के उन सभी को सम्मानजनक ढंग से उनका अभिनंदन भी किया। खेल प्रदेश और देश के अंदर हर एक नौजवान के मन में भाव पैदा हो, इस विश्वास के साथ हर माननीय सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की मदद से खेल महाकुंभ के साथ जुड़कर के इस आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और हमें प्रसन्नता है कि बस्ती के अंदर खेल महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को श्री हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में यहां के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं।